महू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवपुरी कॉलोनी स्थित एक मकान के कमरे से 4 आरोपियों को ऑनलाइन सट्टा लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, पेन कॉपी भी जब्त की। महू पुलिस को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि ग्राम गुजरखेड़ा स्थित देवपुरी कॉलोनी में एक मकान में ऑनलाइन सट्टा चल रहा है, जिस पर मौके पर पहुंचकर पुलिस जवानों ने राजू वर्मा के घर की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया और भीतर जाकर देखा तो फर्श पर 3 लोग बैठे थे जिनके पास 3 लैपटॉप रखे हुए थे। इसमें से एक लैपटॉप पर बैंक में रुपयों का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चल रहा था, साथ ही मोबाइल फोन पर भी लगातार फोन आ रहे थे। कॉपी में कई लोगों के नाम, पते और रुपये अंकित थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपियों में विकास पिता मनोहर यादव निवासी जोगी बेड़ा खंडवा, जितेंद्र पिता नारायण लोवंसी निवासी सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद, हेमंत पिता अनिल गुप्ता बरमकेला रायगढ़ छत्तीसगढ़, सोनू पिता संतोष कुमार निवासी बरमकेला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के होना बताए गए। यहाँ सभी आरोपी अपने मालिक के लिए काम करते थे, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गुजरखेड़ा के देवपुरी कॉलोनी में कुछ लड़के जो बाहर के हैं वो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार किसी मकान में रहकर कर रहे हैं। उस सूचना पर तस्दीक की गई और तत्काल कार्रवाई की गई, तो उसमें 4 लड़के विकास यादव, जितेंद्र लोमवंशी और 2 अन्य जो सिवनी मालवा के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जो उसके अन्य कनेक्शन हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है और अपराध दर्ज कर लिया गया है, विवेचना जारी है। कब से चला रहे थे? अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लॉकडाउन से पहले से चला रहे थे, लॉकडाउन में भी इन्होंने ये कारोबार किया है। इस संबंध में और साइबर पुलिस के द्वारा भी सहयोग लिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों में विवेचना की जाएगी। ज़्यादा 1100 रुपये लगभग मिले हैं। अकाउंट्स में जानकारी मांगी गई है बैंकों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद क्लियर हो पाएगा। मैं थाना